प्लास्टर में दिखने वाली ये दीवार बहुत ही ज़्यादा रफ़ और ये टेल्स के लिए बनाई गई थी। हम यहाँ पे वॉल पुट्टी करने वाले हैं, बेसन वॉल पुट्टी जो कि बर्जर की है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर टेल्स बटाने के लिए कितना रफ़ बनाया गया था, और इस रफ़ को हमको हटाना है। यहाँ पे एक अच्छा सा डिज़ाइन करना है, जैसे कि इसको हटाने के लिए पत्रे से हम इसको हटा सकते हैं ब्लेड से, और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। एक कोट हम लगा लेंगे, ये एक कोट लगाने के बाद चाहे तो आप दो कोट भी लगा सकते हैं। हम फिलहाल इसको एक कोट लगा के कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हम दूसरे दिन आ गए, ये पहले स्टार्टिंग नाइट से शुरू हुआ था जो हमने काम किया था, जो अब ये सूख गया है। देखिए आप चाहे तो दो कोट लगा सकते हैं, वैसे दो कोट लगाना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप दो कोट नहीं लगाएंगे तो ये किस तरह होगा आपको जूम करके बता देता हूँ। जो सुबह मैंने डिज़ाइन करने के लिए आया यहाँ पर, तो देख रहा हूँ कि कुछ डॉट्स इसमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लाइंस देखने को मिल रहे हैं वॉल पुट्टी के, क्योंकि हमने एक ही कोट में फिनिशिंग करने की पूरी कोशिश की थी। तो देखिए अभी मैं यहाँ से काम स्टार्ट कर देता हूँ, कि यहाँ पे मेरे को तीन बॉर्डर चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने पेंसिल से नाप के इसको ले लिया है। अभी हमें चाहिए टेप, जिसमें हमें एशियन के टेप मिले हैं, इसको हम 1 इंच के टेप को अब फिट करेंगे इसके लाइंस के मुताबिक। ये ज़रूरी है कि आपको टेप बटाते समय इसका ध्यान देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको रख दें, और ये वाले जो मुंह दिख रहे हैं इस तरह के ना रखें टेप से, क्योंकि अंदर पेंट चला जाता है। इस तरह का हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। हमें अब टचर चाहिए, टचर आप कोई भी कंपनी का लेके आ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास टचर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कंकर वाला, ये है बिरला का, और इसके अंदर लाइन्स कुछ इस तरह आने वाले हैं, मगर हमें इसको अच्छे से छान लिए हैं ताकि हमें इसको छाना हुआ चाहिए। अगर आपको छाना हुआ मिल रहा है तो इस तरह डिजाइन करने के लिए आपको बढ़िया रहेगा। एक बाल्टी लें और इस बाल्टी के अंदर आधा बाल्टी पानी डाल लें, ताकि आपको टच्चर कलाने में आसानी होगी। टच्चर कलाने का दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये देखिए, अगर आप ज्यादा मजबूत यानी कि ज्यादा मोटा वाला, ज्यादा गाढ़ा वाला कर लेंगे तो आप लगाने में परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको पतला वाला कर लेना है, और चाहे तो मशीन से ही करना है, हाथ से नहीं कलाना है। इसको मिक्सिंग करने के लिए मशीन लेना लेना बहुत जरूरी है, और मिक्सिंग से कलाते समय अगर थोड़ा बहुत पतला हो जाए तो इसको जरूरी है कि इसके अंदर मिक्स करके आपके मीडियम के हिसाब से इस मशीन को से आप कला लें। आप जैसे कि हमने कला लिया है, अभी यहाँ पे मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूँ, इस तरह का डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि खुद के घर के जो पेंट काम होते हैं वो ठेका लेके काम करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं लेते हुए मैं खुद अकेला इस काम को लेके और इसको मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ टच्चर, और वो भी ख़ास करके अकेला, और इसके अंदर मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। आगे आप चाहे तो देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इसको डिज़ाइन करने के बाद उसके अंदर मैं इसको एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, यूट्यूब में अपलोड भी मैं ही करता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ लोग यूट्यूबर में यानी कि यूट्यूब कहते हैं यूट्यूब में कि हमने बहुत सारी मेहनत करी, फॉलो कर दो, मगर हमें फॉलो नहीं करते बहुत सारे लोग। तो देखिए सबसे पहला इस डिज़ाइन के मुताबिक आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे हमने टच्चर को लगाना स्टार्ट किया है। टच्चर को आप बिंदास कैसे भी नहीं लगा सकते, आपके पास दो लोग रहेंगे तो अच्छी बात है। इस टूल को लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अमेजोन में ये 86 रुपीज़ में मिल जाता है, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा पड़ती है। आपको मीडियम हिसाब से टच्चर लगाने के बाद इस टूल से इस तरह से लाइन खींच लेंगे ताकि आपको आसानी हो सके इस तरह का डिज़ाइन आने के लिए। वैसे ये टूल हमने पाइप से बनाया है, पाइप कट करके इसको जला के इसको हम जितना मर्जी का उतना कट कर लिए हैं। चाहते तो हम इसको ये 86 रुपीज़ ज़्यादा नहीं थे, हम चाहे तो ले के आ सकते थे। इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन भी है, मगर हमको नहीं मिला, तो हम यहाँ से येलो वाला जो दिख रहा है आपको, इस तरह का टूल हमने बना लिया है कॉपी करके, यानी कि अमेजोन में से देख के उसी तरह का पाइप से हमने कट कर लिया है। इसका एक रोटेट लास्ट एंडिंग में बता देता हूँ, कुछ इस तरह से घुमाने के बाद जितना भी आता है वो बकेट में निकाल लें टच्चर। ये बिना कंकर वाला है तो आसानी से ये निकल जाता है। और इसके साथ में आपको रिटेलर में अगर आपको इस तरह का टूल भी देखने को मिल जाता है, जिसकी कीमत 190 है, मगर इसकी ये बहुत छोटा होता है, इसके से डिजाइन करने नहीं आता। अगर कहीं भी छूट जाता है बटन की जगह में, तो आप वहां से उंगलियों से कंटिन्यू उसके लाइंस बना लीजिएगा। अगर बटन की जगह में कहीं वाल जैसे कि टच्चर लगाने का वक्त आ जाए तो इस तरह से लगा लीजिएगा, और उसके साथ उंगलियों से उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ खुद से। और इसी के बाद में एक अच्छा सा दिखा देता हूँ कि फिलहाल ये किस तरह से लाइन मोटे मोटे आ रहे हैं। ये ज्यादा मोटे नहीं है, मैं मीडियम के मोटे के हिसाब से इसके अंदर डिजाइन बनाने की खासियत की है। ये वही जगह है जिस जगह मैंने बॉर्डर बनाया था, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर टेप लगाया हुआ है, तो मेरे को डिजाइन इसके साथ कंटिन्यू कर लेना है कुछ इस तरह से ऐसे घुमा के, और ये जो है कुछ इस तरह से मोटा वाला आ जाएगा। आप देख रहे होंगे अभी
यहाँ पे मैं इसको गीला रहते हुए अभी टेप को हटा ले रहा हूँ। ये है हमारे बिल्डिंग बनाए हुए बनाए थे उन्होंने, ये मिस्त्री है जो प्लास्टर और बांध काम किए थे, उन्होंने ये टेप निकाल रहे हैं। ये गाँव से है, सिटी गाँव से नहीं है, यहाँ पे बिजली यानी करंट कभी भी जा सकता है। शाम होने आ रही है, 7 बज रहे हैं, ये टेप हमारे मिस्त्री जो निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं। इस कंप्लीट ही हमने गीला रहते हुए भी इस को टेप को हमने हटा लिया है ताकि हमें इसके ऊपर पेंट करना है। फिर से आप उसको टेप लगाना पड़ेगा, ये कल सुबह आके लगाएंगे। फिलहाल हमें इस टेप को हटाने के बाद पहुंच गए हैं सुबह के दिन। सुबह के जब मैं आके यहाँ पे देखा तो ये बहुत सारा रफ था, इतना रफ था कि इसके ऊपर तगड़ से यानी कि फिर से इसके ऊपर घिसाई करने का मन कर रहा था, मगर मैं ये रात में जो किया था इसीलिए मैं तगड़ से नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इसके ऊपर पेपर से हल्के से इसके कॉर्नर को पूरी तरह से इसके ऊपर घिस लिए हैं। इसको आप भी घिसना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कॉर्नर को कोई भी इंसान निकाल सकता है। अगर कॉर्नर को मोड़ देंगे तो ये कोई भी निकाल नहीं सकता। 120 का पेपर जो कि मेरे पास मशीन का आधा पेपर है, इस पेपर से मैं इसके ऊपर घिसाई कर रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह से मशीन का पेपर नहीं भी मिल रहा है तो आपको हैंड पेपर जो मिल सकता है कहीं भी रिटेलर में, ये 25 या 20 रुपये में एक पेपर मिल जाता है, उस पेपर को ला के आपको 120 का ही इसके ऊपर हल्के से घिसाई करते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है पेंट की। पेंट हमारे पास मेटालिक का है जिसमें है ग्लाम आर्ट जो कि बर्जर कंपनी वालों ने खास करके डिजाइन के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ में बर्जर का जो है वेदर कोट एंटी डस्ट का ब्लैक वाला कलर, जैसे कि ब्लैक वाला फुल ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लू आता है, आप देखने में तो आपको शायद ही कैमरे में ब्लैक दिखता होगा। तो ये है डस्ट प्रूफ यानी कि उभार के लिए लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया कलर है। और साथ ही साथ मेटालिक का कॉपर का जो हमारे पास मेटालिक का यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्ट जो है स्लिक का, ये खास करके हमें 1000 रुपये में मिला है और ये अभी इसके ऊपर लगेगा। तो कॉपर कलर हमें दिखाने से पहले ये हम ये बता देते हैं इसको कैसे कैसे मिक्स करके लगाना है। वैसे इसको हम बाद में लगाने वाले हैं, तो सबसे पहला हम बर्जर के एंटीडस्ट के पेंट के डिब्बे को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा आता है मेटालिक के पेंट के अंदर, चाहे आप तो पीओपी भी लगा सकते हैं, कहीं डिजाइन के लिए खास करके बनाया गया है। ये सिर्फ गोल्ड आता है कंप्यूटर मिक्सिंग के अंदर, ये हमें कॉपर का कलर यानी कि पिंक के में आने वाला बनाया गया है। तो मैं अकेला कर रहा हूँ तो टेप को भी मैं अकेला ही लगाना पड़ेगा। जब ये घिसाई हो जाने के बाद इसके ऊपर एक बार झाड़ू से घुमा लिया, ब्रश से अच्छे से इसकी धूल मिट्टी घुमा ली यानी निकाल लिया, और उसके बाद जिस जगह से पहले मैंने टेप बताया था गीला होते वक्त निकाला था उसी जगह में मैं अकेला इंसान यानी कि उस टेप को एक ही 1 इंच वाले को बटा रहा हूँ। चाहे तो मेरे पास और भी आदमी है, मैं उनको ले सकता था, मैं इस खास करके इस डिजाइन में मैं अकेला काम करने की सोच लिया है। देखिए 20 लीटर के बकेट में मैंने इस पेंट को डाला है, वो भी पहले से मिक्स किया हुआ यानी कंप्यूटर मिक्स किया हुआ। इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखने में ब्लू दिख रहा होगा, पानी डालने का लिमिट भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहीं से बता देता हूँ, 1000 ml आता है यानी कि 1 लीटर में। ये है हमारे टेल्स मिस्त्री जो कि अभी पेंट लगा रहे हैं। 1000 ml के अंदर आप 500 ml पानी मिला ले और इस तरह से ये जो हमारे टेल्स मिस्त्री लगा रहे हैं, ये जो घर की बिल्डिंग काम किए हैं, उसी तरह से आपको पूरी दीवार में लगा लें। और खास करके जान लें कि ये जो मेन है ऊपर सीलिंग की तरफ कटिंग की जगह में ब्रश से लगाना, क्योंकि सीलिंग का व्हाइट पेंट हो जाता है, यहाँ पे रफ होता है, तो लगाते समय सूखा सूखा ही 2 कोट चाहे जरूरी लगा लें ताकि आपको ऊपर सीलिंग में ना लग सके। जैसे कि मैं यहाँ पे ज्यादा पतला करके 2 कोट लगा ले रहा हूँ इस तरह से, और ये सीधी लाइन आए क्योंकि डिजाइन की मेन खासियत होती है साइड बॉर्डर में लाइन सीधी आती रहे। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो आपको बहुत सारी परेशानियों का देखना पड़ सकता है। फिलहाल ये पूरी तरह से लगा के कंप्लीट हो गया है, सूखने के बाद भी स्टेप को आप चाहे तो हटा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सूखने से पहले गीला रहते हुए भी स्टेप को मैं यहाँ पे हटा ले रहा हूँ। हटाने के बाद अब जरूरी है कि हमें कॉपर का कलर स्टार्ट करें। मैं एक स्पंज लूंगा, उसको इस तरह से काट लूंगा, और क्योंकि मुझे चाहिए ट्राई, और वैसे मेरे पास ट्राई है नहीं, तो मैं मेटालिक का पेंट जो है निकाल के ओपन कर लूंगा इस तरह से। ओपन करने की मेन जरूरी ये बात है क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ऐसे ही डिब्बे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ साइड में इसका ओपनिंग होता है, इसको हटा के आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर पानी नहीं मिलाया जाता, ये चाहे तो आपको 2 तरह के आ सकते हैं, ऑयल गोल्ड और जो है वाटर गोल्ड। आप इसको वाटर गोल्ड में ही कंप्यूटर मिक्सिंग लेके आए, बुट्टी को देख लिया अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बुट्टी इसलिए लिया है, ट्राई में अलग काम होता है, ट्राई खास करके डिजाइन के लिए आती है। बहुत सारे लोग ट्राई में ही करते हैं, कहते हैं कि डिजाइन में आपको ट्राई लेना बहुत जरूरी है। मैं बुट्टी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस्तेमाल करते हुए देख लीजिएगा,
ये खास करके ये सिंगल कोट है, इसके साथ मैंने अलग अलग डिज़ाइन जो बनाए ये है वाटर बबूल के, जो कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइन मेरे वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, जाके देख सकते हैं। नहीं है तो अगर इसके साथ साथ में 3D के बारे में बताया है मैंने, स्प्रे से ये डिज़ाइन किया जाता है, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं डिज़ाइन के, हिंदी लैंग्वेज में ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से मैं बता के रखा है, और बहुत सारे व्यूज़ भी आ चुके हैं। अगर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब करके जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी मेरा मौजूद है। अगर आप इससे भी ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के बारे में जानते हैं जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिस भी डिज़ाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं उस डिज़ाइन के बारे में किस तरह करते हैं बता देता हूँ। तो इसी के साथ में मैंने अलग अलग ऐसे भी वीडियो बना रखे हैं जिससे कि मशीन के टूल हो, टोकन्स के बारे में हो, खास करके लो बजट के बारे में। देखिए यहाँ पर साइड में एक थंबनेल दिख रहा होगा, लो बजट के बारे में बहुत जल्दी से जल्दी एक वीडियो आने वाला है, वॉलपेपर कैसे बटाएं और ये टोकन्स कैसे अपलोड करते हैं, और साथ ही साथ हमने बर्जर टीम ने हमें कैसे पार्टी दी, और अच्छे अच्छे मशीन कितने कम प्राइस में हमें मिल सकते हैं। ये जो सारे थंबनेल आपने अभी देखे ये सारी के सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो चलिए अभी मेन वीडियो पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट ही आपको लगाते हुए दिखा रहे हैं, ये जाड़ा है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा है, और ये कॉपर आपको शायद ही नहीं दिख रहा होगा, इसके मैं नज़दीक जाके जूम करके बता देता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज में दिख रहा होगा। अभी जूम करके बताने के बाद आपको कॉपर कलर की असली पहचान भी लग जाएगी। ये कलर हमें रात में ज़्यादा अलग दिखेगा, धूप में अलग दिखेगा, डबल कोट में अलग लगेगा, जो बॉर्डर आ रहा है उसमें अलग लगने वाला है। तो सबसे पहला हम लेते हैं ये बुट्टी जिसमें हमने पैंट लाया था, और इसको स्पंज से ऐसे लेते हैं और ऐसे जाके ऐसे लगा देते हैं। वैसे आपको लगाते समय कुछ इस तरह से लग भी जाए तो घबराने की बात नहीं, आप ऊपर से हल्का हल्का ऐसे घुमा देंगे तो ऊपर आने वाले लाइन्स को लगेगा, और अंदर भी थोड़ा बहुत लग भी जाए इससे कोई परेशानी नहीं है। खास करके आप जो डिज़ाइन किस तरह से मूव करके बनाए हैं उसी तरह से इसको ऊपर स्पंज से घिसाई करें ताकि ये डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आ सके और लाइन में कहीं भी लीकेज का प्रॉब्लम ना दिख सके। फिलहाल ये कम्प्लीट ही हो रहा है जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाया था, और ये मैं अकेला कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ये डबल कोट भी अभी ये फिलहाल चल रहा है। तो देखिए इस तरह का काम हो गया है, और इसी तरह के आगे जो है हमें बॉर्डर में है अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर गोल्ड लगा रहे हैं, वैसे ये गोल्ड मुझे तो इतना ज़रूरी अच्छा नहीं लगा। फिलहाल ये जो है 300 ml का छोटा या बड़ा डिब्बा भी मिल सकता है, ये भी वाटर गोल्ड है, और जैसे कि हमने ये कॉपर कलर लाया था उसी में आता है। अगर ऑयल गोल्ड लेंगे चिपचिपा ये स्पंज के साथ फिट हो जाता है, ऐसे मत ना ले, क्योंकि अगर आप वाटर गोल्ड लेंगे तो इसके अंदर पानी भी ना डालें, सिर्फ डिज़ाइन के लिए पानी ना डालें। अगर डिज़ाइन नहीं कर रहे कहीं प्लेन दीवार के लिए लगा रहे हैं तो आप चाहे तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। फिलहाल ये आदमी गोल्ड लगाना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये एक ही कोट में आ रहा है गोल्ड। अगर आपको गोल्ड लगाते समय ऐसा लग रहा है कि इसमें अलग कलर होता तो क्या होता, मैं ट्राई करने के लिए एक ब्लू कलर लगाया था, व्यक्तियों को यानी कि घर वालों को ये पसंद नहीं था। आप देख सकते हैं ये वाला जो ये धूप में आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला, इसको मैंने हटा के फिर से गोल्ड ही बना दिया, वो इसलिए कि ये लोगों को सिर्फ गोल्ड ही पसंद था। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये करते करते हमें रात हो गई है, यहाँ अंधेरा हो गया है, गाँव का मामला है भाई, करंट तो चलता ही है, चला गया है। जैसे ही एक लाइट या फिर दो लाइट डालते डालते इसकी रोशनी बढ़ती गई, मैं मोबाइल का स्टोरेज भी यानी कि फुल होते जा रहा है, वैसे मैं वीडियो जो है मोबाइल के स्टोरेज से करता हूँ। ये करंट की बिजली जाना आने की वजह से थक गया था, बेजार हो गया था, क्या भाई ये काम करते समय इतना थकाएंगे, या तो इतना बेजार आ जाएगा, एक बार दो बार तो चाय पीना चाहिए। चाय पीने के बाद फिर से स्टार्ट किया, नाइट की शुरुआत हो रही है। गोल्ड को मैं लगाते समय आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये लगाना मुश्किल है, वो कैसे चलिए बता देता हूँ नज़दीक जाके। तो सबसे पहला ये वाला ब्लॉक है, ब्लैक जो पेंट है उसके ऊपर मैं स्पंज को लिया कुछ इस तरह से लगाते हुए। तो देखिए यहाँ पे मेन मुझे लाइंस आते हुए देखना भी है, ऊपर की तरफ व्हाइट है उसको ना लगे, नीचे की तरफ व्हाइट है उसको भी ना लगे, और लाइंस भी सीधे आते रहे वो भी डबल कोट के साथ, और ये बहुत ही नज़दीक का फासला है, लगभग 6 इंच का फासला है। इस तरह से ये लगाते समय ज़रा मुश्किल हो सकता है। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं ही आए तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करके नेक्स्ट वीडियो किसको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप पहले से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में मैं आपको ऊपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको टोकन्स के बारे में किसी टोकन्स के बारे में जैसे कि मैंने इंडिको के बारे में बता रखा है, और एशियन टोकन्स के बारे में, बर्जर टोकन्स के बारे में, किस तरह से उसको पॉइंट करते हैं, किस तरह से अपलोड करते हैं, सारी डिटेल पेंट की वॉल की पेंटिंग के बारे में मैंने डिटेल बना रखी है, जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, और भी कुछ सवाल
सवाल है आपसे पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसका जो है ये डिजाइन का जो फाइनल लुक है अभी आपके सामने आ रहा है, तो ये हो गया है मेरा गोल्ड फिनिशिंग। रात की ज़्यादा होने की वजह से, बिजली जाने की वजह से देख ही सकते हैं आप, बैटरी लगा के मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये रहा सुबह का आखिरी इमेज, जो मैंने सिर्फ इमेज ही ले लिया है, फोटो वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इस गांव से आ गया हूँ तो यहाँ पे मुझे वो वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करने की कोशिश किया तो ये थोड़ा कुछ बराबर नहीं दिख रहा था, यानी कि डिज़ाइन तो सही है, मैंने सामने से देखा है, मगर ये फोटो में क्लियर नहीं है। फिलहाल आप इतने से ही देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता सकते हैं कि ये डिज़ाइन में कौन सा कलर होना था तो कितना बेहतर हो सकता था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।